आज मैं आपको खाना बार बार गर्म करके खाने के नुकसान के बारे में बताऊंगा। अक्सर हमारे फ्रिज में हम ऐसी खाने वाली चीज़ों को रखते हैं जिन्हें हम ठंडा नहीं खा सकते हैं और बार बार गर्म करके खाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बार बार गर्म करके खाने से सेहत को कितना नुकसान होता है। इसीलिए हमारे घरों में सुबह और शाम का खाना अलग अलग बनता है। हम लोग कभी भी सुबह ही सारा खाना बना नहीं लेते हैं। खाने को दोबारा गर्म करने से उसमें जहरीले पदार्थ बढ़ने लगते हैं जो किसी को भी बीमार कर सकते हैं और हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खासतौर पर स्टार्च युक्त खाना बार बार गर्म करने से इसमें क्लिस्ट्रिडियम बेटुलिनियम बनने लगता है जो किसी जहर से कम नहीं होता है। इसके अलावा इससे नसों के साथ साथ रीढ़ की हड्डी और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताऊँगा जिसे दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। आलू को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, इसमें स्टार्च होता है। अंडे में सेल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है जिसे दोबारा गर्म करने पर वह बढ़ने लगता है, जिसे खाने से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द आदि होने लग सकता है। चावल, ज़्यादातर लोग बचे हुए चावल को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई कच्चे अनाजों में बैसिलस सोरियस नाम का बैक्टीरिया होता है जो अनाज को पकाने के बाद भी नहीं मरता। पालक को दोबारा गर्म करने से फ्लू, गर्दन के अकड़न, सिर में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन सी युक्त भोजन को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कुकिंग ऑयल को दोबारा गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ट्रांस फैट में बदल जाता है जो बहुत नुकसान देता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बार बार गर्म करके खाने के नुकसानों के बारे में बताया है। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।